दोस्तों, आपके दिल से जुड़ी कई बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। इन बातों को सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन बात जब आपके दिल के स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो इन्हें गंभीरता से लेने में ही भलाई है। हालांकि हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी पड़ सकता है, लेकिन रिसर्च से वो बातें सामने आई हैं जिससे उस समय के बारे में पता चलता है जब हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हो सकता है आप ये ना जानते हो कि सप्ताह का वो दिन जब हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होते हैं वो सोमवार है। बाकी दिनों की तुलना में हार्ट अटैक सोमवार को सबसे ज्यादा पाए गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? ये डेटा शोधकर्ताओं ने लगभग 1.5 लाख लोगों के रिकॉर्ड से लिया है जिन्हें हार्ट अटैक आया था। सर्दियों के मौसम को हार्ट अटैक का सीजन कहा जाता है। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। अब आप शायद सोचेंगे कि सोमवार को ही ज्यादा हार्ट अटैक कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका एक विशेष कारण है। रविवार की छुट्टी को लेकर लोग शनिवार रात से ही पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त हो जाते हैं। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। वहीं जब सप्ताह खत्म होता है तो काम पर जाने के ख्याल से ही तनाव बढ़ जाता है। फिर रविवार के अगले दिन काम पर जाने का तनाव दिल के दौरे की वजह बनता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हम में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि वीकेंड्स पर हम सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं, इसलिए खतरा कम होता है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह के वक्त ही होते हैं और रिसर्च ये भी कहती है कि सुबह होने वाले अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि व्यक्ति अगर तनाव को मैनेज करना सीख जाए तो हार्ट अटैक का खतरा टाला जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डॉक्टर्स के अनुसार बाकी दिनों की तुलना में सोमवार को उनके पास दिल के मरीज ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों, ये कारण था जिसकी वजह से सोमवार को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पाए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तू समझा? दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स भी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ।